भारत में दलितों के लिए पहला संस्कृत विद्यालय किसने खोला? संस्कृत, संस्कृत कॉलेज फॉर दलित इन इंडिया, फर्स्ट संस्कृत कॉलेज, ईश्वरचंद विद्यासागर, एंड ही इज अ ब्राह्मिन. ही रिजाइन्स फ्रॉम हिज गवर्नमेंट जॉब एंड ही सेज कि दलित्स विल स्टडी संस्कृत एंड दलित्स विल बिकम हिंदू प्रीस्ट. अब ये बात अगर इस देश के हर आदमी को पता हो तो तुम उसे पोलराइज कर सकते हो? पता ही नहीं. कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, उसको आदमी कौन सा इलेक्शन लड़ना था? ईश्वरचंद विद्यासागर को? ब्राह्मणों ने रूल किया एंशिएंट पीरियड में. ब्राह्मणों ने, कौन है ब्राह्मण, कौन रूलर ब्राह्मण है? पुष्यमित्र सिंह को छोड़ गए, पुष्यमित्र सिंह को छोड़ गए एंशिएंट इंडिया का ब्राह्मण रूलर बताओ, कोई नहीं है. हिस्ट्री पढ़ना है गाइड के लिए. समुद्रगुप्त साउथ इंडिया आ रहा है, सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी. हिस्ट्री इज अ गाइड फॉर द फ्यूचर लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल्सो द पीपल. एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मणों ने रूल किया था, ब्राह्मणों के हाथ में शासन था. अच्छा, बहुत परेशान किया ब्राह्मणों ने. कैसे नहीं किया है? अरे तो हमको एक रूलर बताओ पुष्यमित्र सिंह के अलावा. गुप्तास ब्राह्मण है, मौर्यंस ब्राह्मण है, ये शाकास कुशानास ये सब ब्राह्मण है. कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ना बड़ी अच्छी बात थी. कास्ट राइवलरी कैसे बढ़ गई? दोनों अलग बातें. कास्ट कॉन्शियस एंड कास्ट राइवलरी. आज क्या है? कास्ट राइवलरी है. अब ये कास्ट कॉन्शियसनेस जो बढ़ी, ये राइवलरी में कैसे बदल गई? ऐसा कैसे हो गया हिंदू मुसलमान अपर कास्ट लोअर कास्ट एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे? तो कोई तो घटना घटी होगी. डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे समझदार, यही पूना पैक्ट हुआ था. बोले दलितों के लिए मुझे एजुकेशन फंड चाहिए. वो कितना खास समझदार आदमी. किस मुस्लिम लीडर ने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा? कहना चाहिए ना कि तुम मथुरा में भी बना दो मंदिर, तो बनारस वाला भी ले लो और बता दो, गिना दो, एक लिस्ट बना के एक बार दे दो कहां कहां तुम्हारा मंदिर था, ले लो. उतनी ही कॉस्ट का, उतनी ही कॉस्ट का एजुकेशन सब्सिडी मुसलमानों को हर साल दो. तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की कीमत मान लो आज 100 करोड़ है, ऐसे 10-20-50 मस्जिद बता दो, 100 बता दो, 200 बता दो, चलो 400 बता दो, 400 मस्जिद 100 करोड़ की कितना हो गया? 40,000, 4,000. इतना, ये 4,000 करोड़ जो है ये मुस्लिम एजुकेशन फंड में दे दो हर साल. अभी देखो सब भाग जाए अपने अपने इलाके में. नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं ऐसे आप ही का है. यही तो सीखना है डॉक्टर अंबेडकर से, और क्या सीखना है? हमारे पास पैसा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, हम कर लेंगे पूजा. रिजर्वेशन रखना है कि नहीं रखना है? रखना है. रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं लड़ना है, कास्टिसिज्म के खिलाफ लड़ना है. कास्टिसिज्म खत्म, रिजर्वेशन खत्म. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ रिजर्वेशन? कास्टिसिज्म, इंडियन रिजर्वेशन. एवरीवन शुड फाइट अगेंस्ट कास्टिसिज्म. पेड़ की ब्रांच काटोगे वो फिर निकल आएगा. भाई इंडिया का जो दलित क्लास है, अगर उसको ये पता चल जाए कि अपर कास्ट कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया, वो विरोध करेगा. वो तो कहेगा अच्छी बात है भैया, हम भी तुम्हारे साथ हैं. हो गई ना यूनिटी?
तो जब कास्टिज्म खत्म हो गया तो फिर रिजर्वेशन किस पे होगा? इकोनॉमिक बेसिस पे, उसमें सबको फायदा होगा।